भाइयों और उनकी बहनों, तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी में होने वाले सीयर्स की और उनकी पहन चोलियों की। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले नंबर पर तो वो आते हैं जिनको पता है टीचर के साथ कैसे बनानी है, टीसी किस तरह करनी है, उनको पता है कि टीचर के सामने नंबर किस तरह बनाने हैं, और जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होता है यही वो होते हैं जो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं सीआर बनने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये अच्छा बच्चा नहीं है। ऐसे लोग होते हैं जो एक दफ़ा गलती से सीआर बन जाते हैं और फिर इसी गलतफहमी में रहते हैं कि अगले सेमेस्टर में भी ये सीआर बनेंगे, और इन्हीं चक्कर में ये सीआरशिप के लिए खड़े होते हैं। उनको पूरी क्लास से सिर्फ 2 वोट मिलते हैं। लेकिन इनकी बगैरती का लेवल चेक करो, ये दूसरे सेक्शन में जाके सीआर बनने की कोशिश करते हैं। अब ये वो लोग हैं जो सीआर बनने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ये लोग सीआर बनते हैं तो फिर मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाते हैं। इनका बाद में फिर खुद का तो एल लगता ही है, साथ पूरी क्लास का भी एल लगवाते हैं। अब एक सीआर वो होता है जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, और जिस दिन वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है उस दिन से लेकर जिस दिन तक ग्रेड नहीं लग जाते तब तक व्हाट्सएप ग्रुप में प्राइवेसी लगा के रखता है। और दूसरा ग्रुप वो होता है जिसमें कोई प्राइवेसी नहीं लगी होती और पूरी क्लास ने सीआर के ग्रुप में लेनी की होती है। कोई ना कोई पहन का तीना ग्रुप में फजूल सवाल जरूर करता है। अब सीआर ग्रुप में मैसेज करता है कि कल क्लास नहीं होगी। इस मैसेज से साफ पता चल रहा है कि कल क्लास नहीं होगी, लेकिन फिर भी किसी ना किसी ने अपनी पेश जरूर करवानी है ग्रुप में। ये सीआर भाई, आपने ग्रुप में मैसेज किया कि कल क्लास नहीं होगी, तो कल क्लास सच में नहीं होगी? नहीं यार, बंदा इनसे पूछे कि इनके साथ हमारा ये वाला मजाक है। नहीं है तो हमें बता दो, हम कर लेते हैं फिर। अब ऐसे लोग ना सीआर को प्राइवेट मैसेज करके पूछते हैं, ब्रो बताना मिड किस डेट को है। अब अगर तुम इनको आसान अल्फाज में बता भी दोगे ना कि कमिंग ट्यूसडे को है मिड, लेकिन फिर भी इन्होंने आगे से फजूल सवाल पूछने हैं। ये जो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, वो वाला ना? मैं सात बार बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अब यूनिवर्सिटी के परमानेंट फैकल्टी के टीचर का अगर तुम सीआर बनते हो तो मतलब तुम अपनी मौत को आवाज देते हो। ये लोग ना किसी के सगे नहीं होते, ये लोग अपने आप को यूनिवर्सिटी का मालिक समझते मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिक्र। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब तो जरूर करो, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। और वैसे भी मैंने अभी अभी डिसाइड किया कि मेरी वीडियो को हर लाइक करने वाले को बोनविटा।